बिहार के पूर्णिया में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश विभाजन के समय अगर पंडित नेहरू हिंदुओं को भारत ले आए होते और मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाता तो आज देश की सामाजिक समरसता को कोई खतरा नहीं होता। बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं शुरुआत से प्रतिकार करना सीख लिए होते तो देश की स्थिति ऐसी नहीं होती। वहीं इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि सीमांचल के चारों जिले किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में बड़ी संख्या में डेमोग्राफी बदल रही है। इसको लेकर हिंदू संगठनों के साथ उनकी बड़ी बैठक भी हुई। उन जिलों में बड़ी तेजी से आबादी बढ़ रही है जिससे स्थिति बिगड़ रही है। जब तक देश में सनातनियों का बहुमत है तभी तक लोकतंत्र सुरक्षित है। आप भी सुनिए इस दौरान गिरिराज सिंह ने और क्या कुछ बोला। मैं भी सनातनी हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि योगी जी ने जो कहा था, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, अब समय आ गया है। हम सब सनातनी हैं, जात के साथ साथ धर्म को आगे रखें। हमारा धर्म ही कहता है धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगी। बता दें सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ही 1947 में पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत के बंटवारे के समय पाकिस्तान, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ और फिर बांग्लादेश बना। इस दौरान उन्होंने शुद्धि आंदोलन का भी जिक्र किया। 1926 में शुद्धि आंदोलन के कारण मुसलमानों ने हिंदू स्वामियों की जान ली और गांधी ने अपना उन्हें भाई कहा था। आगे उन्होंने कहा कि देश में तुष्टीकरण आज से नहीं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में हुई और तभी से चला आ रहा है। इसके बाद भी मुस्लिम लीग के मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कई जाने लिए। इसी समय से तुष्टीकरण की नीति और भारत को गजवाए हिंद बनाने की साजिश होती रही है। बंटवारे के समय भी योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों को भारत में रोका गया। भारत में अब नारा लगता है लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे पाकिस्तान, जहां इनकी आबादी 100% से ऊपर जाती है। सामाजिक हालात बिगड़ने लगते हैं।